मॉर्निंग गाइस, अभी मैं आई हूँ दुकान पे। फॉरम को छोड़ती हूँ क्योंकि दुकान पे किसी का रहना ज़रूरी है। पापा और किसको लेने जा रही हूँ वो सबको पता ही चल गया होगा, लेकिन ठीक है। मैं और यश निकल रहे हैं स्टेशन के लिए और फॉरम यहाँ पे रहेगी। पापा को लेके फिर हम यहाँ छोड़ेंगे और फॉरम को लेके फिर हम घर जाएंगे। हाँ, फाइनली बहुत सालों बाद आ रहे हैं, बहुत सालों बाद। खुशी भी हो रही है उतनी। अच्छा है, चौप रहे। मैंने ब्लैक पहना है। क्या बुलेट की चाबी ले ले पापा के लिए। चलो निकला जाए। और एक दो काम है, वो भी मुझे निपटाने हैं। दिवाली के आज पापा आ जाएंगे ना, तो थोड़ा मुझे आराम मिल जाएगा क्योंकि यश को मैं लेके जा पाऊंगी हर जगह जहाँ मुझे जाना है। चलो निकलते हैं। अभी यश क्या हुआ देखो, पता है? अभी हम लोग आ रहे थे ना, कितनी खतरनाक चीज हुई ना। अभी हम लोग आ रहे थे ना, जब अपने गाड़ी गर्म तो है ना, एक है ना स्कूटी वाला यहाँ से ऐसे करके निकला। हाँ, तो ऐसा हो गया सरप्राइज। अभी जस्ट आ रहे थे तब बोरो बोलते इसके फट के हाथ पे आ गई होगी। हम लोग ऐसे आए ना, फिर ऐसे मैंने कट मार के निकाली गाड़ी। गाइस देखो, ये वाले पॉइंट में टेम्पे के पीछे से मैं अचानक निकली थी, तो उसको लगा सरप्राइज। बोरो बोलती है उसको जीते जी अमरा दिख गया होगा। एक चीज समझ में नहीं आती, अभी जस्ट प्लेटफॉर्म निकल रहा था तो गाड़ी में ही निकाल रहा था, ठीक है। हम लोग घर से थोड़ा ही दूर आए थे तो उसमें ऐसा दिखा रहा है कि 500 टू 800 मीटर आपको दूर रहना है। ये क्या सेंस है? हम स्टेशन पे रह के निकाले, 500 मीटर दूर निकाले, पैसे तो तुमको मिल रहे। ये रूल क्या है भाई, इसको हटाओ यार। क्या बोलते हैं यश, अब क्या कर सकते हैं अर्जेंट में? इतने दिमाग होना चाहिए, क्या लेना देना यार, पैसों से मतलब है ना, तुम तो उससे मतलब रखो। पापा तू चाहिए बी थ्री आई बी टू आई या थ्री चे अद्धा कमरे कमर है कहना ही फट करता था अद्धा कहना चढ़ी गया अद्धा क्या वेलकम बाय आ गए पापा दादा दादी को लेके आ गए पप्पा पेंट वाले रखी हूँ इनमें न बेचे चाहती हूँ तो हेड़ो तो कदे भाई पाई डठी पनो 1950 एकड़ो पैसो आजनु आसल ओ ये भी पैसो दियो ना ये एकड़ी पाई एकड़ो रुपई पैसो पैसो एकड़ो पैसो हां ये भी अंदर एकड़ो दियो ना 1967 ना हमने ये पाई ये पाई फिलहाल हम लोग हमारा व्लॉग देख रहे हैं और ये हम लोग दुकान लगाने वाले हैं। दादी सब ले गए ये वहाँ से, इसकी चाय 5-5 रुपए 5-5 रुपए बोलो भाई।
दादा पहले वहाँ बैठे हैं और हम लोग ब्लॉग देख रहे हैं। हम निकल रहे हैं, शाम के 7 बज रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं? दिवाली डेकोरेशन टीवी देखेंगे, क्रोमा में जा रहे हैं, उसके बाद एक कैची धार में जाना है, वेस्ट साइड में जाना है। वेस्ट साइड तो कुछ ऐसा है नहीं खास, लेकिन फिर भी एक बार देख के आएंगे क्योंकि वहाँ पे फ्लावर पॉट्स और ये सब थोड़ा अच्छा मिलता है, तो जाने का है नहीं, देखेंगे पहले तो जाएंगे। यास को मैं ऐसे उठा के लेके जा रही हूँ, बस उसने मुंह धोया, मैं रेडी हुई और जा रही हूँ। हाँ शट अप। हम लोग ये टावर पे देखने आए थे, अच्छा है, मतलब रेट के हिसाब से मिनी एसी बोल सकते हैं। हाँ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक हवा जा रही है, अच्छा है। अभी चेक कर रहे हैं, मैं डिस्टेंस पे जा रही हूँ कि हमारे घर पे अगर ये टीवी लगेगी, ये 75 है और 85 है ना उसका है 2.5 लाख और ये है कुछ 95 डिस्काउंट करके। यहाँ से देखते हैं कि भाई दिखता है कि नहीं, थोड़ी छोटी लग रही है। वो जो हमने टीवी देखी ना उसके मुकाबले कि वो है 85, वो यहाँ से भी क्लियर ही दिखता है एकदम, लेकिन वो 85 और ये है 75। अभी हम लोग आए हैं अग्नि बेकर्स, यहाँ पे यहाँ का इसका ना बर्गर अच्छा होता है, मतलब एकदम डाइट फ्रेंडली, वो सोयाबीन की टिक्की वाला, वही खाते हैं, कुछ लगी है भूख। बर्गर कितने क्यूट है, छोटे छोटे बर्गर पाउडर दिया। और क्या यस? जंगली सैंडविच सुना है आपने? बताना कमेंट में, अगर सुना हो तो बताना, मस्त मिलता है। अरे परे बात जुम्मे दे, वीडियो आता नहीं है अंदर, ऐसे व्हाइट कलर का फीलिंग, इसका फीलिंग रहता भी ठंडा है, मस्त लगते है, इसके लिए इसका नाम है जंगली सैंडविच। हम लोग ये छोटा सा खा रहे हैं बर्गर, कितना क्यूट है, और इसके अंदर जो ये पैटी है ना ये सोयाबीन की है, टेस्टी है, इतना सही है बर्गर। का छुट्टी का टाइम होता है कि भैया सब चीज़ ले जाने का निकल के, अभी मैं आज आ चुकी हूँ यहीं पे शुभम वाली लाइन में, हमारे अंकल की बेटी है उनके लिए कुछ कुछ ले लेते हैं, दिवाली खुद की नहीं सबकी दिवाली बनाते हैं, तो बच्चे के लिए कपड़े ले लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं दिवाली की शॉपिंग करने, अब यश मना कर रहा है लेकिन मैं तो लूँगी। यहाँ पे लैंप लगे हैं, एक मेरे को अच्छा लगा, हमने ना कलरिंग वाला बल्ब लिया है लाइट्स वाला, इसके अच्छा लगे। फिलहाल ये लिया मैंने पर्पल कलर और एक ये मैंने पर्पल वाला लिया है ना वो ये पैटर्न है, ये ऐसा ये नहीं, थोड़ा ऐसा था तो मैंने सोचा पर्पल ज़्यादा अच्छा लगा, पैसा देता हुआ मेरा भाई है। दिवाड़ी घर चमकी लो तो पटके चमकी लो मैडम, आप आ जाया करो, वैसे दुकान में अच्छा लगता है। लेकिन के साथ कनेक्शन नहीं टूटना चाहिए।
मना व्लॉग में आएंगे, मना व्लॉग में, मना मना व्लॉग में आएंगे। हाय कर आए। अरे भाई की फ्रेंड हुआ था मेरे। हर्षू नहीं है ना व्लॉग नहर जिंदल के ना भाई जिंदल जिंदल बता रहे अच्छा फ्रेंड भी रो गाल चालू है फ्रेंड भी रो गाल चालू है भाई जी मना नहीं कर रहा था बेटा सैंडविच अभी लाया है गैस कब खा रहा है भाई मस्त लग दिखायो भाई भी दादी को भी जंगली सैंडविच खिला रही नानी दादी सब मिक्स हो रहे हैं कैडी है मस्त है ना सुवा लिए मस्त है ना बर्गर यार ज्यादा ज्यादा खावा खाई बनता रहता अभी दादा को मैंने केक खिलाया है अभी दादा के मुंह में वही है Two hours later. Finally, अब मैं जाके फ्री हुई हूँ गाइस कब से हम लोग इतनी मस्ती कर रहे थे दादा दादी के साथ इतनी मजा आई अब जाके वो सोए हैं आराम कर रहे हैं और अभी बज रहे होंगे 11 नहीं 11:45 बज रहे हैं क्योंकि 11:30 बजे तो मैं वहाँ से आई हूँ तो मैंने सोचा कि चलो अब जाके मैं अपनी एडिटिंग निपटाती हूँ और इतनी थकान हो गई है ना पूरा दिन आज जल्दी उठ गई थी मैं और दादा दादी आने वाले थे उसके एक्साइटमेंट में मैं सुबह 7 बजे उठ गई थी फिर मैंने सोने की ट्राई की लेकिन फिर मुझे नींद आई ही नहीं लेकिन अच्छा लग रहा है बहुत टाइम के बाद मतलब इतना फोर्स करने के बाद दादा दादी आए हैं तो घर में बड़ों का होना तो ऐसा ज़रूरी है ही क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि सबके घर में बड़े होते हैं लेकिन जिनके घर में होते हैं ना बहुत खुशनसीब है तो चलो ऐसे ही हंसते मुस्कुराते ये व्लॉग को मैं यहीं विराम देती हूँ मिलती हूँ मैं आपको ऐसे ही हंसते मुस्कुराते नेक्स्ट व्लॉग में अब के जो भी आगे व्लॉग्स आने वाले हैं आपको बहुत मज़ा आने वाली है तो स्टे ट्यून्ड और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए हर हर महादेव राधे राधे जय श्री केदार